खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां एसआई के बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी पत्नी पढ़ना चाहती थी, इसे लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। तनाव में आकर उसने सुसाइड कर लिया। घटना के वक्त उसकी पत्नी मायके गई थी। घर पर बड़ी बहन और माँ थी। उसके पिता भोपाल में पदस्थ हैं। सोमवार रात बहन ने उसे फंदे पर लटकता देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। रोहित चौधरी निवासी अरिहंत नगर की, एक साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी पूनम ग्रेजुएट है। वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन रोहित के परिवार के लोग इस बात पर राजी नहीं थे। इस कारण से पूनम अपने मायके चली गई थी। पुलिस के मुताबिक रोहित ने सोमवार शाम को अपनी बहन को कॉल किया था। उसने पाव भाजी लाने की बात की थी। रात में घर में बिजली चली गई थी। इस दौरान वह अपने कमरे में चला गया। रात करीब 11 बजे बहन ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। जब भाई ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने ऊपर जाकर आवाज लगाई। रोहित ने तब भी दरवाजा नहीं खोला। बहन ने कमरे में झांक कर देखा तो वह फंदे पर झूल रहा था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। रोहित भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही वह कास्ता कंपनी में काम करता था, जिसमें करीब 6 माह पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह खुद का बिजनेस करने का सोच रहा था। रोहित के परिवार में 2 बहनें भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। परिवार मूल रूप से भोपाल का रहने वाला है। रोहित की कास्ता कंपनी में नौकरी लगने के चलते वह 1.5 साल पहले इंदौर रहने आ गया था। मजाक घर में सब कर रहे थे। छोटी वाली बहन इनकी गई थी मार्केट, तो बोले इनका ने फोन लगाया, बोले मेरे लिए उधर से आओ तो पाव भाजी ले आना। बोले कब तक आओगे? बोले 1-1.5 घंटे में। तो 9:30 बजे की फोन पर बात हुई इनकी। वापस घर आए तो सोचा कि पाव भाजी खिला दें। उप वाले रूम में जाके देखा, खटखटाया तो गेट खुला नहीं। तो उसके बाद इनने गेट बहुत कोशिश करी, फिर गेट तोड़ा तो फांसी लटका। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।